Very good morning, my dear students. Today we are going to start a new chapter which is known as Yog for Health. English में इसे योगा भी बोला जाता है और हम इसे योग ही बोलेंगे. योग का बहुत फॉर्मेट्स हैं, बहुत तरीकों से योग जाना जाता है. ये जो चैप्टर यूनिट 4 है, ये इट इज़ ऑल अबाउट माइंड बॉडी एंड मेडिसिन. इसका जो रीड टू है वो हम कर रहे हैं, योग फॉर हेल्थ. अब इसके लिए माइंड बॉडी और साइंस जो मेडिसिन है वो हमने पहले भी इसको पढ़ा समझा. दिमाग क्या है, हमारी बॉडी किस प्रकार से काम करती है और मेडिसिन उसके ऊपर किस किस प्रकार की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं खुद के ऊपर, और जब हम परेशान हो जाते हैं तो हमारी किसी भी प्रकार की डिसीज़, जिस प्रकार की गैर जो बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो कि हमें जीवित रहने के अंदर कठिनाई प्रस्तुत करती है, उसके लिए हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है. और वो मेडिसिन कौन कौन सी, एलोपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है, यूनानी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी. दूसरा, माइंड के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि माइंड जो है वो जब अप्रूव करता है कि हम परेशान हैं, हम बार बार उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं कि हम तकलीफ़ में हैं, मैं बहुत पेन में हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, तो वो एक बॉडी भी उसको एक्सेप्ट करने लग जाती है. और कई लोग आप देखेंगे शारीरिक परेशानी के मुकाबले मानसिक तकलीफ़ों से ज़्यादा जूझते हैं और मानसिक तकलीफ़ों की वजह से और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं. इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार हम हॉस्पिटल वगैरह की यात्रा करते हैं और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो किसी को देखने भी आप जाते हो तो आपको वो जगह पसंद नहीं आती है. हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप गौर से इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ट्राई करना कि हॉस्पिटल जैसी जगह पे कोई भी आदमी खुश नहीं रह सकता. क्यों? रीज़न है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा नेगेटिव विचार चल रहा होता है. जो मरीज़ होते हैं वो टेंशन में पहले से होते हैं. जब उसको इतना हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया जाता है तब वो एक प्रकार से इतना नेगेटिव विचार में होता है, क्या मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, खुद के प्रति ही नेगेटिविटी हो जाती है. उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी सभी प्रकार से हारे हुए और कम फ्रीक्वेंसी वाले लोग आपको ज़्यादा दिखाई देंगे. जब ऐसी फ्रीक्वेंसी के अंदर आप जब जाते हैं तो आप भी वैसे ही हो जाते हैं. इसका बिल्कुल उल्टा इसका एक एग्जाम्पल है कि आप कभी टेम्पल पे या गुरुद्वारा या कहीं पे मॉस्क या कहीं पर भी आप जाते हैं, जो भी आपका पूजा स्थल है, जहाँ पर भी आप पूजा करने जाते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे एक एनर्जी आपको मिलेगी क्योंकि वहाँ सभी लोग पॉजिटिव हैं. वो एक टाइप की पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं और पॉजिटिविटी ही होती है. अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे होता है, तो मैं बताता हूँ कैसे होता है. आप वहाँ पर बेटर विचार के लिए जाते हो. अगर आप एग्जामिनेशन में आपने बेहतरी नहीं किया है और कुछ अच्छा काम नहीं किया है तो भी आप वहाँ जाके माफ़ी मांगते हो अपने और अच्छा बेटरमेंट की तलाश करते हो. जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं कि मेरे बच्चे और बेहतर परफॉर्मेंस करें. एक दूसरे के प्रति हम पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पे कि हम भी अपने बेटरमेंट के लिए ही प्रार्थना करते हैं. आप ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ली, उसकी गाड़ी कल एक्सीडेंट हो जाए, भगवान मैं ये प्रार्थना करता हूँ. कभी नहीं. आप ये सोचते हैं कि उसने गाड़ी ली तो मुझे भी इतनी शक्ति दो, मुझे भी इतनी एनर्जी दो, मेरे अंदर भी इतना पावर आप दीजिए कि मैं भी उस ऐसी गाड़ी इक्विवेलेंट या उससे भी ज़्यादा लेने की, जो भी मटेरियलिस्टिक आपकी अप्रोच है उस अप्रोच के अकॉर्डिंग्स में आप सोचते हो. पर बुरा नहीं सोचते, अपना खुद का बेटरमेंट सोचते हैं और दूसरों का भी. सर्वे भवन्तु सुखिना संस्कृत के अंदर बोला गया. ये सब चीज़ें कब काम आती हैं, जब हमारा माइंड बॉडी अलाइनमेंट में आ जाता है. माइंड और बॉडी जब अलाइनमेंट में आता है तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अब मेडिसिन बहुत प्रकार की होती है, जैसे एलोपैथिक वगैरह उसके बारे में बताया था, पर किसी की सलाह भी मेडिसिन का काम करती है. हमको ये पता चलना चाहिए कि हम ये काम करें या ना करें. आयुर्वेदिक के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो तामसिक राजसिक अलग अलग गुणों वाली है कि भाई ये चीज़ खाने से लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, सर्दी हो गई है तो आप प्लीज कृपया करके प्याज ना खाओ. वो म्यूकस आपके जो लिम्फैटिक ऑर्गन है उसके अंदर जो आपके बॉडी के अंदर म्यूकस बनता है उसको और जो पेट का एसिड है उसे भी वो हिलाती है. तो अब इन सब चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हुए इन चीज़ों के अकॉर्डेंस में ही हम जब माइंड बॉडी और मेडिसिन को ही जब एमलगमेशन बढ़िया करते हैं तब हमको एक चीज़ समझ में आती है कि उसको एक सार करने के लिए, उसको एक पॉइंट पे इकट्ठा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए योग. ठीक है. अब योग बहुत इजीली लोग ये सोच लेते हैं कि योग सिर्फ और सिर्फ क्या है. योग है एक प्रकार की एक्सरसाइज करने का तरीका.
आप जैसे कई भी योग बोलेंगे, हम योगा योग की तरफ भी चले जाते हैं, प्राणायाम की तरफ भी चले जाते हैं, पर आप योग वर्ड को जब आप देखेंगे तब आप एक सेकेंड में समझ जाएंगे कि योग का मतलब है कि चीज़ों का योग, देखना योग का मतलब प्लस जोड़ना, माइंड बॉडी इसको जब जोड़ होता है तब योग होता है। योग मतलब समावेश होना आपका उस परम सत्ता के अंदर, उस परम पिता परमात्मा के साथ। अपनी एनर्जी को आप चैनलाइज करते हो, हम सब बूंदे हैं और हमारी जितनी भी हम जो छोटी 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 बूंदे हम कहीं पर भी ऊपर आसमान से टपकी है और हम अपना जीवन यात्रा ग्लेशियर में से जब ऊपर से निकले तो वो हम जिंदगी भर वो जीवन जो तैरता है, जीवन की जो नदी है उसमें बहते रहेंगे, वो बूंदे हम हैं तो बूंदे, और पूरी ज़िंदगी तैरते रहेंगे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पहाड़ों से गिरेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहते रहेंगे स्पीड में, फिर एक दिन जाके हम उस सागर के अंदर मिल जाएंगे। सच बात है। तो यही योग है, उसको कैसे योग को सेट किया जाए, कैसे समझा जाए, उसके लिए अलग अलग टाइप के योगी, बहुत सारे योगी हुए हैं, आपने सुना भी होगा। तो बहुत सारे योगियों ने अपना अपना पॉइंट भी दिया, कई कई योग आप देखेंगे, ध्यान योग है, भक्ति योग है, राजसिक योग है और क्रिया योग है, क्रिया योग बहुत जाना माना योग है। तो ये सारे योग आप इसके बारे में भी थोड़ा नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वो सारे मिलेंगे। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है योग का, योग हमको इस तरीके से एक उसका एक ओवरव्यू दिया गया है, समझाया गया है कि किस टाइप से योग हमारे लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और हमें योग की तरफ जाना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोल एज वेल एज फॉर आवर बॉडी। ठीक है, अब हम इस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। रीड टू योग फॉर हेल्थ। अब योग जो है वो किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझेंगे। योग इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट साइंसेस ऑफ इंडिया। देखो कितना अच्छा वर्ड इन्होंने यूज किया, योग दुनिया का नहीं नहीं भारत देश तो आपको पता ही है कैसा, कितना जबरदस्त देश है, इसके अंदर सब चीजें आपको मिलेंगी और इसके अंदर सबसे प्राचीन विज्ञान, सबसे एंशियंट साइंस है ऑफ इंडिया का, भारत का सबसे प्राचीन विज्ञान, विज्ञान वर्ड यूज किया, याद रखना, कोई धार्मिक चीज नहीं बात की उन्होंने, सबसे पुराना विज्ञान, ये साइंस में प्रूवन फैक्ट है। इट ऑफर्स अ टाइम ट्रस्टेड टेक्निक फॉर फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बहुत छोटी लाइन है और इसके अंदर बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है, सार गर्भित बात की है उन्होंने। ये बोल रहा है इट ऑफर्स अ टाइम ट्रस्टेड टेक्निक, इसकी वजह से इसमें अगर आप योग करते हैं तो ये टाइम ट्रस्टेड टेक्निक है, मतलब समय के ऊपर, समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई ये टेक्निक है फॉर फिजिकल, जो शारीरिक, मेंटल, मानसिक एंड स्पिरिचुअल, बौद्धिक, आपका जो बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक, इन तीनों चीज़ों के ऊपर एक साथ जो एमलगेमेशन जब किया जाता है, इन तीनों का एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके से इन तीनों को जोड़ा जाता है तब योग का निर्माण होता है। सही है, एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ आपके सामने, एमलगेमेशन, AMLGAMATION, एमलगम, जिसको एमलगम भी बोलते हैं, साइंस वाले बच्चे तुरंत समझ जाएंगे। एमलगम का मतलब मालूम है क्या होता है, हम चाय बनाते हैं ना तो चाय के अंदर हम थोड़ा दूध दूध अधिक डालते हैं, चाय पत्ती आधा चम्मच जितनी, एक कप चाय का मैं इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ, शक्कर एक चम्मच से ऊपर डालते हैं, डेढ़ चम्मच डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ी इलायची अदरक अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा थोड़ा डालते हैं, फिर उसको उबलने देते हैं और वो, ये एक एमलगम है। एमलगम का मतलब कि हम सब चीज़ों का निश्चित प्रमाण जब डालेंगे, निश्चित प्रमाण के अंदर कोई चीज़ डाली जाएगी तो वो उचित प्रमाण के अंदर ही बन के सामने आएगी, तो वो उसका टेस्ट। अगर अब आप इमेजिन करो, मैं एक कप भर के चाय पत्ती डालूँ, ठीक है, और आधा चम्मच शक्कर डालूँ, ठीक है, और अदरक जितनी डालनी होती है 10 ग्राम, उतने 10 ग्राम में दूध डालूं, तो क्या चाय बनेगी? नहीं। इसलिए जो निश्चित प्रमाण के अंदर कोई चीज़ की जाएगी तो उसको एमलगम बोलते हैं, एमलगमेशन, इन सब चीज़ों का एमलगमेशन, किन किन चीज़ों का, हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को करने के लिए योग उसका मेन पॉइंट है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। बहुत बढ़िया, इसके ये कॉन्स्टिट्यूट करता है किसको, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारी मानव जीवन के सबसे जो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू हैं उनके ऊपर वो नज़र डालता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ साइंस, इसको साइंस के तौर पर ही जाना जाता है, एज एंशंट एज ह्यूमन रेस, ऐसा माना जाता है कि जितनी प्राचीन मानव जाति है, मानव जो ह्यूमन रेस है, उतना ही पुराना यह साइंस है, मतलब सदियों सदियों से चला रहा है, अब इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी चेक नहीं कर पाएंगे, इतना प्राचीन है। योग हैज़ कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन
इन द इंडिविजुअल। योग के अंदर इस प्रकार की क्षमता है, कैपेसिटी है कि वो लेके बाहर निकालती है, ब्रिंग्स आउट फंडामेंटल ट्रांसमिशन। फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, 360 डिग्री बदलाव वो ला सकती है एक इंडिविजुअल व्यक्ति के अंदर, जो अकेला है, जो एक में व्यक्ति है उसके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, एक आत्मा के अंदर पूरा का पूरा बदलाव, फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आप देखो, जो डाकू था वाल्मीकि, वो बाद में संत वाल्मीकि बने, उन्होंने निर्माण किया रामायण का, वाल्मीकि रामायण आपने सुना होगा। तो वो एक फंडामेंटल, वो उनको योग की प्राप्ति हो गई थी, योग मतलब उनका माइंड बॉडी और सोल इकट्ठा हो चुका था, ठीक है। तो ये इसको, इसका मेन, इतनी पावर इसको योग के अंदर कैपेसिटी है, आप भी उसको यूज़ करें तो आपको फायदा मिलेगा। योग इज ए होलिस्टिक एक्सरसाइज। अब ये वर्ड जो है होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब यहाँ पे एक्चुअल के अंदर वो है सर्वांगीण, सब रूपों से होलिस्टिक। पर देखो कई जगह इसकी स्पेलिंग WHOLISTI भी की जाती है, बहुत लोग ऐसा लिखते भी हैं, पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। होलिस्टिक का स्पेलिंग जो यहाँ दिया गया वही राइट, आप WHO भी सुनोगे और देखो भी कई जगह, पर वो नहीं है। अब दोनों को आप गौर से देखो तो होलिस्टिक का मतलब है सर्वांगीण 100%। योग इज अ होलिस्टिक एक्सरसाइज, ऐसी जो पूरी बॉडी, माइंड बॉडी और सोल तीनों को वो काम करवाती है, दैट प्रोवाइड फिजिकल मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। स्पिरिचुअल मतलब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, स्पिरिचुअल हो जाएगी, हम अपनी स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब क्या है, आत्मा, उसके आत्मिक शुद्धि के लिए वो बहुत जरूरी है और फायदे पहुंचाती है, बेनिफिट। इट प्रोवाइड्स वर्कआउट फॉर मसल्स। अब योग करोगे तो आपके बॉडी के अंदर भी वर्कआउट होता है, मसल का वर्कआउट होता है। इट्स ऑल्सो बेनिफिट जॉइंट्स, ये हमारे जॉइंट्स जो हमारे घुटने हैं, हड्डियों के जो हैं उस पर वो भी काम करता है, लिगामेंट्स, बॉडी के अंदर जितने भी लिगामेंट्स हैं, एंड स्केलेटल सिस्टम, और हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो हड्डियाँ हैं उस सिस्टम को भी वो फ्लेक्सिबल, बाय इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, वो उन सबको फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लोच, जिसको बोलते हैं लोच, तो एक प्रकार का लोच लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। कहते ना हिंदी में कहावत है कि अकड़ते तो मुर्दे, तो इंसान को क्या है, विनम्र होना चाहिए, हमको विनम्र होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब आती है, देखो जो फ्लेक्सिबल है वही जिंदा रहता है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत तेज़ हवा बही और जो कड़क पेड़ है वो एकदम सीधा का सीधा जड़ समेत निकल के गिर जाएगा, पर बैम्बू आपने देखा, बैम्बू बहुत पतला सा होता है, बैम्बू एकदम सब जगह लहरा के निकल जाता है, वो बच जाता है, ठीक है। तो ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, आप नारियल का पेड़ देखेंगे वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, बहुत लंबा है पर वो फ्लेक्सिबल हो, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारे अंदर भी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, एंड बैलेंस, और हमारा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे, बॉडी का बैलेंस की भी बात कर रहा है और मानसिक बैलेंस की भी बात कर रहा है। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। रिजिडिटी का मतलब क्या है, हम कई चीज़ों के ऊपर एकदम एडमेंट हो जाते हैं, हमको ये तो करना ही है, मैं तो ये करूँगा, इस जिद पे आ जाना, वो जिद क्या है, इंसान को लेके डूब जाती है, उसके बारे में सोचना है। इट इज़ गुड फॉर हार्ट एंड स्टिमुलेट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हृदय के लिए, हम हृदय के लिए तो काम करते हैं, हमारा हृदय जो है उसके अंदर सब प्रकार की भावनाएं वगैरह, हम ऐसा सोचते हैं, हम बात भी हृदय के लिए करते हैं, हार्ट रुक जाता है, हार्ट हम घबरा जाते हैं, तो हार्ट कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, आई स्किप्ड अ बीट, मेरा एक धड़कन रुक गई वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हमको हार्ट के लिए, बेस्ट बेटरमेंट के लिए वो किया जाता है। हार्ट के ऊपर आप देखो ज़्यादा घी वगैरह खाओ तो कोलेस्ट्रॉल चढ़ जाता है, तो उससे भी हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये हार्ट के लिए काम करता है, एंड स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स का मतलब क्या है, वो उसको इस प्रकार से उसकी स्टिमुलेशन करता है, उसको इतने अच्छे तरीके से दबाव देता है कि वो अच्छे तरीके से मालिश, मसाज करता है। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा जो पूरा का पूरा कार्डियोवैस्कुलर जो नसों संबंधी सिस्टम है उसे वो ठीक कर देता है। इट ऑक्सीजनेट्स द ब्लड, हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का संचार करता है। ऑक्सीजन किसको नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एंड हेल्प्स स्ट्रेंथन द हार्ट, और हमारे हार्ट को, दिल को मजबूत करता है। इट इज़ गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेट नरम तो सब कुछ गरम, ऐसा बोलते हैं कि पेट एकदम अच्छा होगा तो सब कुछ शांति शांति है। तो पेट अच्छा होने के लिए लोग देखो कितने सारे कायम चूर्ण, कितने सारी चीज़ें क्या क्या नहीं करते हैं लोग, तो ये खाली वो योग करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। द नर्वस सिस्टम, हमारी नसों, कहते ना हम कम चलते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, द नर्व्स एकदम स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, कभी आप चढ़ते हैं पहाड़ों के ऊपर या कहीं पर भी सीढ़ियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चढ़ उतर करते हैं तो भी आप देखेंगे नर्व्स आपकी जवाब दे जाती है, स्टिफ हो जाती है, कड़क हो जाती है, या फिर हम कभी घबरा जाते हैं तो हमारी नर्व्स एकदम, हम एकदम नर्वस हो जाते हैं, वर्ड भी ऐसा बोला गया।
सो द नर्वस सिस्टम एंड सपोर्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारे जो श्वसन क्रिया है, हम जो सांस लेते हैं उस श्वसन क्रिया को अच्छे तरीके से काम पे लगाती है। इट इनेबल्स द वेरियस एंडोक्रिनल ग्लैंड्स, और बहुत सारे हमारे जो बॉडी के अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स है जिसके अंदर से, जैसे पीनियल ग्लैंड है हमारा, पीनियल ग्लैंड जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर से वो भी स्टिमुलेट जब होता है तब हम आदमी उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, आपने देखा होगा। तो ऐसे जितने भी ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग टाइप का लिक्विड अपनी बॉडी में से निकालते हैं तो वो सारी चीज़ों को काम पे लगाता है, अच्छा करता है, टू फंक्शन प्रॉपरली एंड रिड्यूसेस टेंशन एंड एंग्जाइटी। ठीक है, आपने सुना भी ऑक्सीटोसिन के बारे में सुना होगा, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, वो रिलीज जब करता है तो हमें खुशी का अनुभव होता है। ये कैसे होता है आप देखेंगे, तो इसका मैं एक सिंपल बेसिक एग्जांपल बता दूँ आपको भी। चॉकलेट देखो, चॉकलेट खाने की इच्छा हो तो मुंह में डालो तो सबको अच्छी लगती, किसको चॉकलेट नहीं अच्छी लगती मुझे आप बता देना। तो वो कोई विरले होंगे, 100,000 में से एक इंसान जिसको चॉकलेट नहीं पसंद होगी, उसके दिमाग का कनेक्शन थोड़ा लूज होगा। अदरवाइज आप चॉकलेट खाओ तो आपको एकदम मन के अंदर एकदम खुशी का अनुभव होगा, और आप देखेंगे खुशी के मौके पर हम चॉकलेट बांटते हैं। चॉकलेट के अंदर वो एक्चुअल के अंदर तत्व है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर उस चीज़ को रिलीज करवाता है। बाकी हमको जब खुशी होती है, सेम टू सेम आप देखेंगे तो लहसुन का छौंक जब लगता है, लहसुन यानी कि गार्लिक बर्ड गार्लिक भी आपको सेम टाइप की चीज़ क्वालिटी देती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कई लोग चाय पी के खुश हो जाते हैं, देखो दिन में 10 बार चाय पीते हैं तो वो दिमाग के अंदर उनका वो सेरोटोनिन का लेवल रिलीज होता है। तो ये सब चीज़ें तो क्या है, बाहरी चीज़ें, पर आप योग जब करते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं तो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं, आपके दिमाग वैसे ही सेरोटोनिन के लेवल को एकदम बैलेंस कर देता है और आपको मज़ा आता है, एंग्जाइटी को दूर करता है। ठीक है, और हमारी एंग्जाइटी टेंशन को दूर करता है। एंग्जाइटी मतलब प्रॉब्लम्स को, अंदर एंग्जाइटी होती ना, बेचैनी होना, अरे यार कुछ हो नहीं रहा है, क्या करेंगे ये करेंगे, तो आपकी बॉडी इतने अच्छे तरीके से बैलेंस्ड होती है कि आपका बात करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, आपका चेहरा भी चेंज होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से पेश आएंगे। इफ़ यू सफ़र फ्रॉम इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, अगर आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। लोग बहुत सारी गोलियाँ खाते हैं फिर लीवर ख़राब हो जाता है उससे। योग विल हेल्प यू स्लीप वेल, योग की वजह से आप अच्छा सोओगे, आराम से सो पाओगे। दस योग इज़ यूजफुल इन मैनी साइको फिजिकल एलिमेंट्स, इसीलिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है बहुत सारे साइको मतलब मानसिक, फिजिकल शारीरिक दोनों का बैलेंस किया है। साइको फिजिकल एलिमेंट्स यानी कि तकलीफें, बीमारियाँ, हार्ट की डिसीज होती है उसको हार्ट डिसीज नहीं, हार्ट एलिमेंट बोलते हैं, ही सफरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट, कैंसर है, वो सब एलिमेंट्स है। तो एक प्रकार का वो ये कोई बीमारी नहीं है, वो हो गया, अब उससे बाहर आना हमको बहुत मुश्किल है। तो साइको फिजिकल एलिमेंट्स उसको योग उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। सूर्य नमस्कार इज एन एंशंट फॉर्म ऑफ योग, देखो अभी इस पॉइंट पे आ रहे हैं, एक योग का एक फॉर्मेट हमको बताया जा रहा है, सूर्य नमस्कार इज एन एंशंट फॉर्म ऑफ योग, योग का सबसे प्राचीन फॉर्म है। दिस फॉर्म ऑफ योग इज अ कंप्लीट मेडिटेटिव टेक्निक, इसके अंदर इंसान पूरे तरीके से मेडिटेटिव ध्यान में लग जाता है, मेडिटेटिव टेक्निक अपनाता है। इट इंक्लूड्स आसन एंड प्राणायाम, इसके अंदर आसन भी है और प्राणायाम भी है, दोनों ही चीज़ें। प्राणायाम मतलब सांस लेने की टेक्निक, प्राणों का आयाम इसका मतलब है प्राणायाम, और आसन तो आप जानते ही हैं। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट पॉस्चर्स, ये 12 विभिन्न आसनों का एक एमलगमेशन है, 12 अलग अलग एक टाइप पे करने और वापस वैसे ही उसको उल्टा लेके आना है। इसका फोटोग्राफ भी हमारे यहाँ दिया गया है और मैं इसका एक वीडियो भी आपको बताऊंगा। फॉलोड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक परफेक्ट सीक्वेंस के अंदर चलना है, एक के बाद एक स्टेप वाइज करना है, विद अ स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न, और हमको स्पेसिफिक सांस कहाँ छोड़नी है, सांस कहाँ लेनी है वो इसके अंदर बताया गया, कैसे सांस छोड़नी है कैसे लेनी, तो प्राणायाम भी हो गया और आसन भी हो गया। स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न, इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल, एक जो व्यक्ति जो योग की साधना कर रहा है, जो योगी है, जो भी योग करेगा इंडिविजुअल, टू वाइटलाइज, वो हमारी जितनी भी बॉडी है उसको वाइटलाइज करेगी, उसके अंदर रस भर देगी, रस पूर्ण करेगी जिंदगी को, वाइटलाइज करना, एंड अनब्लॉक्स द होल सिस्टम, और हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज होगी तो उसे वो पूरे तरीके से साफ कर देगा, हमारी नसों की प्रॉब्लम को करेगा, हमारे रुधिर ब्लड है उसको एकदम अच्छे तरीके से फ्लो कराएगा, हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेजेस हुए थे उसको वो पंपिंग करके क्लियर करेगा। ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है होल सिस्टम, इट रिड्यूसेस फैट, और बॉडी में से फैट को निकाल देगी। फैट का मतलब समझते हैं, जो जिससे सब लोग जूझ रहे हैं, रिड्यूसेस फैट फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, और बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उसमें से वो
फैट को निकाल देंगे, जितने भी पार्ट। अब फैट को निकालने के लिए कई लोग लाइपोसक्शन करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, बहुत दिन खाना नहीं खाते, कई लोग तो अपना जो छोटिया जिसके अंदर हम खाना खाते हैं स्टमक, उसको ही छोटा करवा देते हैं, खाना आएगा ही नहीं, करूँ क्या। तो ऐसा ऐसे ऐसे जो बॉडी के साथ आप इतना अन्याय कर रहे हो, और बॉडी के ऊपर इतनी बेदर्दी से चाकू चलवाना, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अंडर द नाइफ, सर्जरी का मतलब ही वही है, नाइफ के नीचे जाना। तो वो जो चीज़ें हैं उसकी बजाय अगर आप ये योग प्राणायाम करो तो कितना सुविधाजनक होगा आपके लिए। रिड्यूसेस फैट फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एज इट स्ट्रेचेज एंड टोन्स, ये बॉडी के सब पार्ट में से निकाल देती है। कई लोग तो आप देखें तो सूर्य नमस्कार करते हैं, 100-100 सूर्य नमस्कार एक बार में करते हैं, ताकि उनकी बॉडी इतनी अच्छी और उनको फायदा होता है तभी लोग करते हैं, वरना तो कौन करेगा। और एंड इट स्ट्रेचेज एंड टोन्स ईच एंड एवरी मसल, ये बॉडी को स्ट्रेच करता है और वापस टोन भी करता है। टोन का मतलब है कि हमारे मसल के अंदर से जितना भी टाइप का फैट है वो निकल जाएगा, तो वो मसल और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए योग का सबसे बेस्ट फॉर्मेट हमको बताया गया, सूर्य नमस्कार का एग्जाम्पल दिया गया, जो हम स्कूल में भी करते हैं, बहुत सारे स्कूलों में कराया जाता है, बहुत सारे योग प्राणायाम शिविरों के अंदर भी उसका कामकाज होता है। यहाँ पे हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मैं एक वीडियो भी डालूंगा, और दूसरा हाउ टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे। माइंड बॉडी एंड मेडिसिन को आप समझ गए अच्छे तरीके से, अब आपको इसको भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको ज़रूर कीजिए योग फॉर हेल्थ, और हम इसको आगे बढ़ा के कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल इसे कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू गॉट एनी काइंड ऑफ डाउट्स, यू हैव गॉट माय नंबर, यू कैन कॉल मी अप, एंड कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बात कीजिए। ऑनलाइन ही कर सकते हैं, 31 मार्च तक वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एन ऑप्शन, तो इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू एंड मी ऑल्सो, मैं भी आपसे कुछ बात सीखूँ, आप भी मुझसे कुछ बात सीखें। तो आज के लिए मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, साथ में एक वीडियो भी अटैच करता हूँ। टेक केयर, थैंक यू। सूर्य नमस्कार। स्टार्ट द सूर्य नमस्कार बाय स्टैंडिंग इरेक्ट फेसिंग द सन, कीप योर फीट टुगेदर एंड पाम्स जॉइंट इन अ प्रेयर और नमस्कार पोज। Take deep breaths to regulate your breathing. Inhale and raise your arms above your head in upward salute or Urdhva Namaskar. Tilt slightly backward, arching your back. Look up at your hands. Exhale slowly and bend forward, placing your palms on either side of your feet and your forehead touching your knees. This is Uttanasana. Inhale and take your right leg back in a big backward step. Keep your hands firmly in place and your left foot between your hands. Tilt your head up. With a slow exhalation, move your left foot back to where your right foot is. Keep your arms straight. Raise your hips and bring your head close to the floor. Inhale deeply. Your body should form an inverted V. Do not bend your knees. This is Adho Mukha Svanasana. Exhale and lower the body to the floor. Let only the forehead, chest, hands, knees, and feet touch the floor. Inhale and lift your chest into the cobra pose and keep your arms straight and in place. Exhale and slowly raise your hips to come back to the inverted V or Adho Mukha Svanasana pose. Do not bend your knees. Inhale and move your right leg forward, placing your right foot between your hands. Tilt your head up. Exhale slowly and rise up, bringing your left foot forward to where your right foot is. See that the hands and legs are in line and your head touches the knees.
Inhale and raise your arms above your head in the upward salute pose. Tilt slightly backward, arching your back. Stand firm in place. Exhale and slowly bring down your hands to your chest in the prayer pose.